Hi investors, welcome to SOIC. So in today's business analysis, we'll be talking about Deepak Nitrite. Now before I start talking about Deepak Nitrite, पहले एक बहुत interesting mental model को discuss कर लेते हैं. So many people say that investing is not easy, but it is simple. तो इसका meaning क्या है? So basically before buying a stock, what you also have to ponder कि आप अगर stock खरीद रहे हैं तो कोई और stock बेच रहा है. तो आपको पता करना पड़ेगा जो बेचने वाला है उसका रीजन क्या है बेचने का, एंड जो खरीदने वाला है उसकी थीसिस पॉइंटर्स क्या है खरीदने के. सो सेथ क्लारमैन सेज दैट इन्वेस्टिंग इज एन एक्ट ऑफ एरोगेंस. नाउ व्हाई डज ही से दैट इन्वेस्टिंग इज एन एक्ट ऑफ एरोगेंस? क्योंकि इफ यू आर बाइंग अ स्टॉक देन समवन एल्स इज ऑल्सो सेलिंग अ स्टॉक. माने अगर आप खरीद रहे हैं तो कोई उसका सेलर भी है. तो जो बेचने वाले का रीजन है आपको वो पता करना पड़ेगा. एंड क्यों ये एक एक्ट ऑफ एरोगेंस है? क्योंकि अगर आप उस स्टॉक को खरीद रहे हैं तो आप बेसिकली बेट कर रहे हैं कि आप सही हैं एंड जो बेचने वाला है ही इज रॉन्ग, राइट? सो दिस इज व्हाई इट इज एन एक्ट ऑफ एरोगेंस. अगर हम पोकर की एनालॉजी लें तो पोकर में यू ऑलवेज हैव टू थिंक दैट व्हाट आर दी ऑड्स ऑफ यू सक्सीडिंग. इस बेट में आप सक्सीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लाइकलीहुड रेशियो क्या है. You always need to have a probabilistic mindset even when you're talking about investing. क्योंकि business is all about probability. क्योंकि अगर हम कोई stock ले रहे हैं तो indirectly हम किसी business में invest कर रहे हैं. And over a long period of time, out of 10 stocks, अगर आपका 6 या 7 times भी अगर आपका hit ratio आ जाता है successful का, then that is more than enough. So this was the mental model that we'll be applying in Deepak Nitrite's valuation analysis. End में जाके मैं Deepak Nitrite की valuation करूँगा. And first time हम thesis और antithesis pointers discuss करेंगे. So coming to the business analysis of Deepak Nitrite, तो हमने इस video को 6 to 7 parts में divide करा है. So in the first part, we'll be talking about the business history of Deepak Nitrite. In the second part, we'll be discussing the basic chemicals and the performance product division. In the third part, हम लोग बात करेंगे fine and speciality chemical division की, जो बहुत ही interesting है. In the fourth part, we'll be talking about Deepak Phenolics, जो इनकी recently subsidiary लगी है, जहां पे phenol की manufacturing कर रहे हैं. And साथ साथ हम phenol and acetone की जो basic economics है, कि supply side पे क्या competition है internationally, India में क्या competition है, उसकी भी हम discussion करेंगे. In the fifth part, first time we'll be doing walking the talk. माने हम मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे. क्या जो मैनेजमेंट ने बोला था वो एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि पास्ट को अगर हम स्टडी करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आती है. अगर आप किसी बिजनेस के पूरे 10-15 ईयर्स की जर्नी पढ़े, सो यू गेट टू नो दैट हाउ क्रेडिबल द मैनेजमेंट इज. इन द सिक्स्थ पार्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द थीसिस एंड द एंटी थीसिस पॉइंटर्स. तो आप लोगों ने काफी बारी मेरे को बोला है कि जो सोर्सेज ऑफ रिस्क है आपको उसको इम्प्रूव करना चाहिए. तो इस बारी वॉट वी हैव डन कि वी हैव इंट्रोड्यूस एंटी थीसिस पॉइंटर्स. की थीसिस तो होती है कंपनीज में, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाएगा, शायद से टेलविंड्स आ गई, बट क्या क्या एंटी थीसिस पॉइंटर्स हो सकते हैं एक बार हम उसकी बात करेंगे. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन एनालिसिस. एंड वैल्यूएशन एनालिसिस में वील बी अप्लाइंग द मेंटल मॉडल. So coming to the business history of Deepak Nitrite. So Deepak Nitrite was started in 1970s by C.K. Mehta. तो C.K. Mehta वैसे originally गुजरात से थे, पर वो गुजरात से शिफ्ट होके मुंबई. एंड मुंबई में उन्होंने केमिकल की ट्रेडिंग का बिजनेस खोला. तो उस टाइम पे ये इंपोर्ट करते थे सल्फर एंड कॉस्टिक सोडा जैसे केमिकल्स इंपोर्ट करते थे. एंड उस टाइम पे भी जो इंडिया में डिमांड थी उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते थे, उसकी जो सप्लाई थी. एंड 1970s में आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ डूइंग ट्रेडिंग इन केमिकल, फाइनली इन्होंने डिसाइड करा कि ये सोडियम नाइट्रेट नाम के केमिकल का प्लांट लगाएंगे. तो पहला प्लांट इन्होंने नांदेसरी गुजरात में लगाया, जो 1972 में लगाया. साथ साथ इन्होंने IPO भी निकाला था. एंड इन फर्स्ट प्लांट ही इन्वेस्टेड क्लोज टू 2.5 करोड़. एंड 1973 to 1974 के बीच में इन्होंने वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली 48 to 50 lakhs की. सो दिस वॉज हाउ दीपक नाइट्राइट वॉज स्टार्टेड. एंड इन 1980s एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई. तो C.K. मेहता एक्चुअली इनका बैकग्राउंड नहीं था केमिकल बिजनेस में, लाइक केमिकल इंडस्ट्री से बैकग्राउंड ही नहीं था. तो बेसिकली इज नॉट अ टेक्नोक्रैट. बट जो इनके जब सन बिजनेस में आए बाय द नेम ऑफ दीपक मेहता, तो ही बेसिकली हैड अ बैकग्राउंड इन केमिकल्स, राइट? एंड 1980s के बाद बिजनेस हैज स्केल्ड अप अ लॉट. एंड इन्होंने यहाँ पे 3 एक्विजिशंस भी करी हैं अपनी हिस्ट्री में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो इन 1984 दे अक्वायर्ड अ कंपनी बाय द नेम ऑफ सयाद्री डाइस्टफ, विच दे अक्वायर्ड फ्रॉम मफतलाल इंडस्ट्रीज. एंड इन 2000 दे ऑल्सो अक्वायर्ड आर्यन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड. एंड इन 2006 दे अक्वायर्ड बसंत केमिकल्स टू गेट इन टू द इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डैजडा. तो डैजडा की भी हम बात करेंगे जब हम परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, बट उन्होंने ये 3 एक्विजिशंस करी है.
एंड साथ साथ इस बिजनेस के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पहली चीज़ तो इट्स अ प्रमोटर रन बिजनेस। एंड जब 1970s में बिजनेस लिस्ट हुआ था 1971-72 के आसपास, तब इसका मार्केट कैप सिर्फ 45 लाख रुपीस था। और अगर आज हम फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो इनका मार्केट कैप कुछ 11,400 या 11,300 करोड़ के आसपास आ चुका है। सो बेसिकली इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ कंपाउंडिंग। एंड साथ साथ अगर हम इस बिजनेस में देखेंगे तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि केमिकल इंडस्ट्री में चाइना प्लस वन या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन या चाइना की डिसरप्शन का की बेनिफिशियरी कौन है केमिकल इंडस्ट्री में, तो आई थिंक दीपक नाइट्राइट वुड बी द वन विच हैज़ बेनिफिटेड द मोस्ट। बिकॉज 2000 से लेके 2010 तक दीपक नाइट्राइट वॉजेंट एबल टू मेक रिटर्न्स दैट वर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट 2010 से लेके 2020 तक दीपक नाइट्राइट हैज बीन एबल टू मेक रिटर्न्स दैट आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड लास्ट टू ईयर्स में चाइना की डिसरप्शन का तो इनको कुछ ज्यादा ही बेनिफिट हुआ है। जब हम परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तब हम उसकी तरफ आएंगे। पर कंपनी में एक जो बहुत अच्छी चीज हमें लगी, तो व्हाइल रीडिंग द कंपनी वी गॉट टू नो दैट द टॉप मैनेजमेंट के अंदर चर्न बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक संजय उपाध्याय करके इनके CFO हैं अभी, जो 1994 से इसी कंपनी में है। एंड इनके जो एक CEO भी थे पहले, वो भी पिछले 12 ईयर्स थे इस कंपनी के CEO थे। एंड 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट ली है। एंड उनकी रिटायरमेंट के बाद जो दीपक मेहता के सन है मौलिक मेहता, ही हैज बिकम द CEO ऑफ द कंपनी। सो वी ऑल्सो लुक फॉर दिस कि टॉप मैनेजमेंट में कितना चर्न है। तो कुछ कुछ कंपनीज में जहां पे टॉप मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा चर्न हो जाता है, वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दोस कंपनीज। तो यहां पे एक और बिजनेस की आपके साथ बात करूंगा, सिटी यूनियन बैंक की, जहां पे लास्ट 110 ईयर्स में सिर्फ 6 या 7 CEOs ही आए हैं। That just tells you a lot about the culture of the company, कि how much continuity is there in the top management. So this was the business history of Deepak Nitrite. Now before I start talking about the business segments of Deepak Nitrite, मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि Deepak Nitrite कौन सी value chain में operate करती है। कि अगर हम इनकी value chain देखते हैं तो Deepak Nitrite कहाँ पे operate करती है, chemical business में, agrochemicals में और pharmaceuticals में। So if we just look at the value chain of all the three industries, we get to know that Deepak Nitrite operates as an intermediate manufacturer. तो अगर यहाँ पे हम चेक करें तो अगर हम पहले अगर एग्रोकेमिकल्स की देखते हैं, तो एग्रोकेमिकल्स में पहले एक रॉ मटेरियल सप्लायर होता है, फिर इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर होता है, फिर टेक्निकल ग्रेड मैन्युफैक्चरर। टेक्निकल ग्रेड इज जस्ट लाइक सॉल्ट इन फार्मास्यूटिकल। तो जब भी आप दवाई खाते हैं तो उसमें एक सॉल्ट होता है, तो डैट सॉल्ट इज नोन एज एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो बेसिकली दवाई का काम करता है। सिमिलरली एग्रोकेमिकल में उसको हम टेक्निकल ग्रेड इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो जो इंसेक्ट या फिर पेस्ट को मारने का काम करता है, डैट इज डन बाय टेक्निकल ग्रेड इंग्रेडिएंट। एंड उसके बाद फॉर्मुलेशन आता है। एंड अगर हम फार्मा में देखेंगे तो फार्मा की हमने जैसे बार बार डिस्कस करी हुई है, तो फार्मा में की स्टार्टिंग मटेरियल है, फिर एडवांस इंटरमीडिएट है, फिर एक्टिव सब्सटेंस है, फिर फॉर्मुलेशन है, फिर एंड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे भी दीपक नाइट्राइट एडवांस इंटरमीडिएट सप्लाई करता है, जैसे एग्रोकेमिकल में भी इंटरमीडिएट सप्लाई करता है। एंड लास्ट इज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री में इफ वी चेक, तो केमिकल इंडस्ट्री में देर इज फीड स्टॉक के बाद देर इज बल्क केमिकल के बाद देर इज इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट के बाद देर इज स्पेशलिटी केमिकल। सो दीपक की अगर हम बात करें तो ये पूरे वैल्यू चेन में एज एन इंटरमीडिएट सप्लायर ऑपरेट करता है। एंड साथ साथ कुछ कुछ केमिकल्स में, ये जो बल्क केमिकल की बात करते थे, ये इसको भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज वेयर दीपक नाइट्राइट ऑपरेट्स। अगर हम इंटरमीडिएट्स की बात करें तो इंटरमीडिएट्स आर बेसिकली यूज टू कॉज रिएक्शन। मतलब अगर हम क्यूमिन की एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यूमिन एक इंटरमीडिएट है, लाइक तो दैट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एसीटोन। तो क्यूमिन की एज सच अपने में कोई वैल्यू नहीं है, अगर क्यूमिन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तभी क्यूमिन यूजफुल है, राइट। सो दिस इज वाई इंटरमीडिएट्स आर इंपॉर्टेंट। तो जब हम इनका फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि हाई वैल्यू एडेड इंटरमीडिएट्स में भी काम करते हैं। एंड जब हम बेसिक केमिकल बिजनेस पढ़ेंगे तो वी विल ऑल्सो गेट टू नो कि ये जो लो वैल्यू एडेड इंटरमीडिएट्स है, जहां पे बल्क और वॉल्यूम में प्रोडक्ट जाते हैं, वहां पे भी काम करते हैं। सो विद दिस वी विल स्टार्ट द सेगमेंटल एनालिसिस ऑफ दीपक नाइट्राइट। तो हम जब बेसिक केमिकल्स की बात करते हैं तो दीपक यहाँ पे ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स और इनऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, एंड यहाँ पे जो बल्क केमिकल्स है वो भी बनाते हैं। एंड मोर ओवर अगर हम बेसिक केमिकल्स की बात करते हैं, सो दिस डिवीजन इज बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं डाटा स्टैंडर्ड इन स्पेसिफिकेशन। माने जब हम दूसरी कंपनीज पढ़ते हैं जहाँ पे कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो काफ़ी बार हमें पता लगता है कि यू नीड टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्ड, एंड जो भी आपके एंड कस्टमर्स हैं आपको उनको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही सप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी एंड यूजर एप्लीकेशन देखते हैं, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक।
So these products are being used by colorants, rubber chemicals, explosives, dyes, pigments, pharmaceuticals, petrol and diesel blending, agrochemicals and food colors. And moreover, जब हम basic chemicals की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका एक product है by the name of nitrotoluene. Now nitrotoluene में इनके पास 50% market share है. And why 50% market share है? We need to study this because even out of the waste, Deepak can produce products. So it is very very efficient in treating waste. तो यहाँ पे इनका ये business cost efficiency पे चलता है. So throughout their history, Deepak has been a bulk chemical manufacturer. जब हम ये बात करते हैं इसकी, तो जो इनका basic chemical business है, this is one of their first product lines. एंड यहाँ पे ये सोडियम नाइट्रेट भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जहाँ पे इनका 80% मार्केट शेयर है. सो अगेन सोडियम नाइट्रेट के साथ साथ अगर हम बात करें इनका थर्ड प्रोडक्ट इज बाय द नेम ऑफ फ्यूल एडिटिव्स, तो फ्यूल एडिटिव्स भी इनका 2009 एंड 10 में R&D इनिशिएटिव था. तो उस टाइम पे BS3 एंड BS4 नॉर्म्स आ रहे थे, तो जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनको फ्यूल एडिटिव्स डालने थे. एंड ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज होते हैं पर लीटर, 0.01 आई थिंक कुछ उसके आसपास यूज होते हैं एज कम्पेयर टू 1 लीटर ऑफ पेट्रोल जब वो उसकी प्रोडक्शन होती है. एंड यहाँ पे अगेन मोस्ट ऑफ द रिफाइनरीज इन द कंट्री, अगर हम SR ऑयल की बात करें, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर हम इंडियन ऑयल की बात करें, दे आर द कस्टमर्स ऑफ दीपक नाइट्राइट. And यहाँ पे भी they have market leadership by having 75% market share. And apart from this, यहाँ पे इनका एक और product इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी by the name of solar salts. But solar salts इनका product 2013 में fail हो गया, क्योंकि उसके उस time पे एक और technology आ गई थी solar panels के अंदर ही, जिसकी वजह से it wasn't any viable to produce. And यहाँ पे one very key insight that you need to have is even in 2010 or 2011, Deepak Nitrite was exporting bulk chemicals to China, right? So this makes it a very very interesting business because if you're exporting something to China, आपको बहुत cost efficient होना पड़ेगा. बिना cost efficiency के, बिना Chinese cost को match करे आप वहाँ पे export नहीं कर सकते. But again, since this is bulk and voluminous in nature, यहाँ पे margin इतना नहीं था. बट यहां पे देखते हैं कि अभी इनका EBIT मार्जिन और रेवेन्यूज का क्या चल रहा है. सो इफ यू जस्ट लुक एट द EBIT मार्जिन ऑफ द बिजनेस, तो 11.8% से आज 22.2% हो चुके हैं. नाउ व्हाई इज इट सो? तो अगर हम इनकी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट पढ़ते हैं, सो वी गेट टू नो दैट दीपक हैज टेकन अ लॉट ऑफ कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स एंड अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स, माने एफिशिएंसी इंप्रूव करने की कोशिश करी है. एंड साथ साथ चाइना प्लस वन का थोड़ा सा बेनिफिट तो हो ही रहा है, क्योंकि चाइना में सप्लाई का इस टाइम पे डिसरप्शन चल रहा है. तो यहां पे अगर हम EBIT मार्जिन देखें तो EBIT मार्जिन हैव एक्सपैंडेड. बट सेकंड अगर हम इनके यहां पे रेवेन्यूज देखते हैं, तो रेवेन्यूज इस बिजनेस में इनका कुछ 674 करोड़ से 940 करोड़ जो है इन द लास्ट 4 to 5 इयर्स. तो व्हाई इज इट सो कि रेवेन्यू ग्रोथ स्लो चल रही है 5-7% की है? द रीजन इज कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में इनका मार्केट लीडरशिप ऑलरेडी है. तो जब तक ये न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं करते इस बिजनेस सेगमेंट में, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप सोडियम नाइट्राइट में 75-80% आपका मार्केट शेयर है, फ्यूल एडिटिव्स में आप 75-80% मार्केट शेयर है, नाइट्रोटाउलिन में 50% मार्केट शेयर है, तब आपको डिफिकल्टी होती है. सो दिस इज द बेसिक केमिकल बिजनेस ऑफ दीपक नाइट्राइट. एंड यहाँ पे अगर हम केमिकल बिजनेसेस की बात करेंगे, सो मोस्ट ऑफ द केमिकल बिजनेसेस हैव बीन बेनिफिशियरी ऑफ 3 trends. वन इज चाइना प्लस वन, सेकंड इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड इज डिसरप्शन इन चाइनीज सप्लाई. अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री को और डिटेल में समझना है, सो वी आर डूइंग अ वेबिनार ऑन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री ऑन 27th ऑफ दिसंबर. द लिंक टू विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ कमिंग बैक टू दीपक नाइट्राइट, अब हम बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स डिवीजन. एक बार हम परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स का वैल्यू चेन समझ लेते हैं. सो इन परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स पहले आपका नाइट्रोटाउलिन आता है, फिर आपका PNT आता है, फिर आपका डैसडा आता है, फिर आपका OBA आता है, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट. So what is very interesting to notice कि दीपक historically till 2006 सिर्फ nitrotoluene and PNT का ही manufacturer था. But 2006 and 7 में उन्होंने बसंत chemicals को acquire करा, जिसकी वजह से इनके पास जो डैसडा की capability है वो भी इनके पास आ गई. And 2011 में दहेज में इन्होंने greenfield capex announce करा, जिससे ये और forward integrate करके towards OBA. Now, why is it important to remember this? Because Deepak Nitrite's business strategy is built on upstream,
downstream, vertical integration and horizontal integration. Just remember this, it is a diversified chemical company, जो हमने वीडियो का नाम भी दिया, because it is going into all types of integrations. तो performance products में भी इन्होंने यही करा है कि ये backward integrated है till feedstock, nitrotoluene. उसके बाद आपका PNT आता है, फिर PNT के बाद आपका DASDA आता है, DASDA के बाद OBA आता है. Now coming to a very key point कि performance products होते क्या हैं? So, performance products are basically, these are fluorescent whitening agents which are used as brighteners in paper, detergents, textile, coating application in printing and photographic papers. So, basically, जो whitening property है, जो paper की whitening property है, जब हम Surf Excel या कुछ use करते हैं, तो उसकी जो whitening property है, that is given by fluorescent whitening agent. And fluorescent whitening agent is type of a performance product. Now, ये इसको हम performance product क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक technical expertise है जो चाहिए, या फिर उस chemical को उस तरीके से perform करना चाहिए. This is why this is known as a performance product. And this depends upon the customer's need कि जो active chemical का, जो OBA का active chemical है, that is basically blended in formulations, either in liquid or solid form. कि liquid और solid form दोनों में हो सकता है. And again, like I told you कि यहाँ पे integration की strategy है, तो DASDA is an intermediate which is used to manufacture OBA. So this is what performance products are. And यहाँ पे अगर हम performance products का end usage देखें, अगर हम globally देखते हैं, India में देखते हैं, so we get to know that globally performance products 65% paper industry में use होते हैं. 20% जो OBA की बात कर रहे हैं हम, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट की, वो टेक्सटाइल में यूज होता है. एंड जो डिटर्जेंट्स है उसमें 15% यूज होता है. व्हेयरएज इंडिया में 15% इज यूज इन डिटर्जेंट, 22% इन टेक्सटाइल एंड 63% इन पेपर. एंड यहाँ पे एक बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में देखें, तो आपको यहाँ पे सप्लायर साइड के डायनामिक समझने हैं. हमने इंटीग्रेशन की तो बात करी कि दीपक इज दी ओनली इंटीग्रेटेड प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट इन आर ओपिनियन दिस स्टिल डज नॉट मेक दीपक अ प्राइस मेकर इन दिस कैटेगरी. दीपक नाइट्राइट इज स्टिल अ प्राइस टेकर इन दिस कैटेगरी. माने दीपक नाइट्राइट यहाँ पे अपने मार्जिन डिसाइड नहीं कर सकता. सो वी हैड अ डिस्कशन विद अ मैन्युफैक्चरर ऑफ DASDA, तो उन्होंने भी हमें ये बात बताई कि अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, इवन तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यू विल स्टिल रिमेन अ प्राइस टेकर, राइट? यहाँ पे आप प्राइस मेकर नहीं हो सकते, आपका जो मार्जिन है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. एंड अगर हम वर्ल्ड वाइड सप्लाई में देखें, तो 53% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय सैकर केमिकल्स विच इज अ चाइनीज कंपनी. 13 to 12 to 13% is controlled by Lion Chemicals, and close to 12.5% control is controlled by Deepak Nitrite. एंड अगर हम लास्ट कुछ सालों में देखें, तो यहाँ पे इफ वी जस्ट गेट टू सी दिस कि इन लास्ट 4 to 5 years परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स डिवीजन हैज़ बीन लॉस मेकिंग फॉर देम. तो यहाँ पे ईबिट मार्जिन्स 2016 से लेके 2018 तक नेगेटिव में रह रहे थे, पर लास्ट 2 years में देर हैज़ बीन अ बाउंटी फॉर दीपक नाइट्राइट. माने एक बम्पर निकल के आए दीपक नाइट्राइट के. रीजन इज अगेन जो हमने बात करी थी केमिकल इंडस्ट्री में, चाइना प्लस वन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड चाइनीज डिसरप्शन. तो यहाँ पे थर्ड रीजन है चाइनीज डिसरप्शन. तो लायन केमिकल्स के जो फैसिलिटी है जहाँ पे है, तो वहाँ पे बेसिकली चाइना ने 2018 में एंटी पोल्यूशन क्लैम्प डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से DASDA का प्राइस $4 पर, जो क्रैक की हम बात करते हैं, पर किलो से $4 से सीधा $17 to $20 पर किलो पहुंच गया. नाउ दिस वाज अ बाउंटी फॉर दीपक नाइट्राइट, क्योंकि दीपक नाइट्राइट सिंस इंडिया में 75 to 80% मार्केट शेयर है इनका, एंड मोर ओवर ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, मतलब दे हैव मेड इनरोड्स इनटू यूएसए एंड अदर कंट्रीज, सो दिस गेव देम अ बूस्ट इन मार्जिन्स. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट दिस business, this segment of business in our opinion seems just like pure commodity. कि even though आपके margins में boost आया, पर last 2 quarters से अगर आप देखेंगे तो EBIT margins have collapsed. Because performance products का जो end user industry है, paper की बात करते हैं, जो हम उसकी बात करते हैं साथ साथ textile की, that has gone through a slowdown. जिस वजह से इनके EBIT margins again have corrected to mean. So this would be a cyclical business which would keep going through booms of supply and bust. In spite of being a integrated manufacturer, यहाँ पे ये चीज समझनी जरूरी है कि integration का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप lowest cost बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा price taker ही रहेंगे. So sometimes it is important to get a true understanding of the business, right? So यहाँ पे Deepak Nitrite का ही है. एंड यहाँ पे अगर हम इनके एक बारी रेवेन्यूज देखते हैं, तो रेवेन्यूज अगर हम देखेंगे तो 2016 में 273 करोड़ थे, एंड 2016 से लेके 2018 तक फ्लैट थे.
बट 2019 एंड 2020 में रेवेन्यूज ग्रू फ्रॉम 299 करोड़ टू 767 करोड़ ऑलमोस्ट. एंड मोर ओवर अगर हम यहाँ पे इनके कस्टमर्स देखते हैं, सो मोस्ट ऑफ द डिटर्जेंट्स कंपनी एंड मोस्ट ऑफ द पेपर कंपनीज आर द कस्टमर ऑफ दीपक नाइट्राइट. तो यहाँ पे जेके पेपर की बात कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट निर्मा, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट घड़ी, एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट किम्बरली क्लार्क. So all these companies are basically the customers of Deepak Nitrite in this division. And साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक बहुत interesting चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार जब हम Chinese disruption की बात कर रहे हैं, तो जिस chemical complex में Lion Chemicals की factory थी, उससे थोड़ी पास एक बहुत बहुत बड़ा blast हुआ था Tianjin province में. एंड इस ब्लास्ट के साथ क्या क्या हुआ कि 2018 में जो प्राइसेस हाई गए थे, तो 2019 में प्राइसेस और भी बढ़ गए टैजडा के, क्योंकि चाइनीज डिस्ट्रप्शन थी एंड वहां पे पूरी प्रोडक्शन ही शट कर दी. तो लायन केमिकल्स की जो टैजडा की सप्लाई थी उसको स्टार्ट नहीं होने दिया चाइनीज गवर्नमेंट ने. एंड 2020 में वी स्टिल डू नॉट हैव अ क्लू की वेदर द सप्लाई हैज स्टार्टेड और नॉट. दिस वॉज द परफॉर्मेंस प्रोडक्ट डिविजन ऑफ दीपक नाइट्राइट. Before we start talking about the fine and speciality chemical division, यहाँ पे I need to tell you something very very interesting. तो संजय भट्टाचार्य की एक कॉन्वर्जेशन थी मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन स्टडी में, तो उसमें से एक इनका एक इनकी एक कॉन्वर्जेशन थी जिसपे मैं आपको बताना चाहूँगा. बिकॉज पैटर्न रिकग्निशन इन इन्वेस्टिंग इज द नंबर वन थिंग, एंड उस पैटर्न को आप कैसे अपनी पर्सनल केस स्टडीज में लगा सकते हो, दिस इज वॉट मेक्स इन्वेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बिकॉज आप इनडायरेक्टली अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के ऊपर बेट कर रहे हो एंड आप पैटर्न रिकग्नाइज करके उसके ऊपर बेट कर रहे हो. तो लेट्स सी व्हाट संजय भट्टाचार्य हैज टू से. So basically in the conversation, Sanjay Bhattacharya said ki contract manufacturing in a number of places. This whole idea when you have to manufacture in very small lots but a very wide variety, it doesn't make sense for very big guys to do it. To make 10 kgs or 20 kgs of a particular thing. You take Balkrishna Industries. You have massive variety but problem is inventory. The guy who can handle this challenge of manufacturing in very small batches and preserve the confidentiality of the client, that guy can charge a fantastic price since buyer is not at all price sensitive. So money, basically if you are manufacturing in low volumes but high variety, right, or you're customizing the product according to the end customer's need, that will give you very very high margins in businesses. If you talk about Garhwari Technical Fibers, if you talk about Alkylamines, if you talk about Balkrishna Industries, if you talk about Krams Manufacturers, a Suven Pharma Bees ke andar ek example aata hai. So all these players are providing critical application products. Learn this mental model by the name of critical application. So fine and speciality chemical division of Deepak Nitrite is manufacturing critical application product jahan pe customer price sensitive utna zyada nahi hai. इस वजह से अगर हम यहां पे इनके ईबिट मार्जिन्स देखेंगे, सो देयर ईबिट मार्जिन्स आर हायर देन द लाइक कॉर्पोरेट एवरेज. तो यहां पे अगर हम इनके ईबिट मार्जिन्स देखते हैं तो वी गेट टू नो दैट देयर ईबिट मार्जिन्स हैव रिजन फ्रॉम 24% टू समवेयर क्लोज टू 46% इन द रीसेंट क्वार्टर, राइट. तो रीसेंट क्वार्टर में 50-51% भी गए थे, बट आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 46% के आसपास आए. And what are basically fine and specialty chemicals? So these are low volume and high margin products. And these products are specially customized as per client's needs and require competency in handling complex reactions. These intermediates find application in agrochemicals, pharmaceutical, pigments and personal care products. And agar hum yahan pe Deepak Nitrite ke key clients dekhte hain, then we get to know ki Syngenta, L'Oreal, Lanxess Chemical, Mitsui, Lonza, BASF, Bayer's are some of their key clients in this division. Now again trying to connect the dots, to 2008 mein they got the reward of best supplier from Syngenta. And I think 2015 mein again they got the reward of best supplier from Bayer's. This just tells you something very very interesting about what is happening in the business. And moreover, over the years we have seen how their EBIT margin. To understand this business segment more, yahan pe hum do con call snippets bhi dekhte hain. तो फर्स्ट कॉन कॉल स्निपेट में बेसिकली जो उमेश असाइकर हैं, जो इनके पुराने सीईओ थे, वो बात करते हैं कि फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल रिक्वायर्स आउटस्टैंडिंगली क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. माने यहाँ पे कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप चाहिए आपको. एंड यू नीड टू एंगेज कस्टमर्स ऑन टेक्नोलॉजी टेक्निकल फ्रंट एंड यू नीड टू डिजाइन द प्रोडक्ट्स टू अटेन कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरमीडिएट. एंड यू शुड बी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग लाइक केमिकल प्रोसेस शुड बी स्ट्रॉन्ग टू विन कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, राइट.
एंड वॉट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस प्रोडक्ट डिविजन, इसकी यहाँ पे अगर हम वैसे केमिकल बिजनेसेस देखें तो जब हम आरती की बात करते हैं, अगर हम कुछ कुछ कम और कंपनीज की बात करते हैं, तो वी गेट टू नो कि वो N8 या N9 रिएक्शन तक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, या सिर्फ उतने ही रिएक्शन होते हैं उस प्रोडक्ट में. तो जहाँ पे N7 N8 रिएक्शन होते हैं, तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा है रिएक्शन में. बट इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 1 या 2 स्टेप रिएक्शन है, माने N1 या N2 तक ही है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देते हैं अपनी कॉन कॉल्स में कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सो बेसिकली दे से दैट वी ऑल हैव हर्ड अबाउट क्रोसिन. इट इज बेसिकली पैरासीटामोल, दैट इज पी एसिटाइल अमीनोफिनॉल. दिस इज द एक्टिव नेम. वी डू नॉट मैन्युफैक्चर पैरासीटामोल, बट वी वुड गिव N1 और N2 ऑफ पैरासीटामोल. वी सेल इंटरमीडिएट्स, जो हमने फार्मास्यूटिकल में बात करी थी, राइट. एंड वॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि N1 और N2 रिएक्शन में भी, यहाँ सिर्फ 1 या 2 स्टेप का भी रिएक्शन हो, इफ द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स इनफ, यू विल मेक वेरी वेरी हाई मार्जिन्स, राइट. तो यहाँ पे भी ये चीज चल रही है. दिस इज वाई दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट प्लेयर, जो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल डिविजन है. लॉन्जा जैसी कंपनी को आप अगर 10-11 साल से सप्लाई कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही नहीं सप्लाई कर सकते. यू नीड टू कस्टमाइज द रिक्वायरमेंट्स, राइट. सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन दिस प्रोडक्ट डिविजन. एंड यहाँ पे अगर हम इनके रेवेन्यूज देखते हैं, सो वी गेट टू नो दैट रेवेन्यूज हैव बीन ग्रोइंग फ्रॉम 326 करोड़ टू समवेयर क्लोज टू 585 करोड़. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रेवेन्यूज यहाँ पे 12-13% CAGR पे ग्रो कर रहे हैं, बट वैल्यू ग्रोथ शायद से ज्यादा हो रही है. इसका ये भी रीजन हो सकता है कि लास्ट वन ईयर में तो शायद से बाकी इंटरमीडिएट्स की मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, एंड फार्मा और एग्रोकेमिकल्स की ज्यादा हुई है लास्ट 6-7 मंथ्स में, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज के अंदर टेल विंड्स चल रही है. एंड वॉट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोटिस, अगर हम दीपक की वैल्यू चेन देखते हैं, तो जब हम फिनोलिक्स की बात करेंगे, तो वील ऑल्सो गेट टू नो अबाउट कि जो ये एसिटोन बनाते हैं, तो यहाँ पे एसिटोन से दे आर फॉरवर्ड लाइक फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग इन टू वन प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ ट्रायाजियानोन, विच इज अगेन जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल अबाउट द प्रोसेस केपेबिलिटीज. दिस प्रोडक्ट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेट्रीब्यूजिन टेक्निकल ग्रेड. मेट्रीब्यूजिन टेक्निकल ग्रेड, जिसने ये वीडियो नहीं देखी, आप भारत रसायन की वीडियो देख सकते हैं हमारी, आप एस्टेक लाइफ साइंसेज की देख सकते हैं, एंड रैलीज इंडिया भी एक कंपनी है जो मेट्रीब्यूजिन बनाती है. तो सिमिलरली दीपक नाइट्राइट अब क्या करने वाले हैं कि जो मेट्रीब्यूजिन प्रोडक्ट है विच इज टेक्निकल ग्रेड, उसका इंटरमीडिएट दीपक नाइट्राइट बनाने वाला है, विच इज बाय द नेम ऑफ ट्रायाजियानोन, राइट. सो दिस इज देयर फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल डिविजन. एंड आई वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि जो इनकी फैसिलिटी रोहा में लगी हुई है, अगर यहाँ पे और ब्राउन फील्ड कैपेक्स हो, या फिर अगर यहाँ पे ज्यादा कैपेक्स होता है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट मार्जिन अगर इनकी एवरेज लें, तो उससे ज्यादा मार्जिन इस प्रोडक्ट डिविजन के अंदर है. एंड इन अ वे वी कैन कॉल दिस एज कस्टम सिंथेसिस बिजनेस एज वेल, बिकॉज आप क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर रहे हैं. सो दिस इज वाई समटाइम्स यू हैव टू डिराइव द नॉलेज आउट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट द कंपनी इज गिविंग यू. नाउ विद दिस वील गो टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दीपक नाइट्राइट, दैट इज दीपक फिनोलिक्स. कंपनी डिसाइडेड टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर फिनॉल्स एंड उसका जो को प्रोडक्ट है एसिटोन इन 2014. तो जब आप एक यूनिट ऑफ फिनॉल बनाएंगे, तो उसके साथ 0.6 यूनिट ऑफ एसिटोन भी बन के आएगा ही आएगा. एंड इंडिया में अगर हम फिनॉल्स एंड एसिटोन की डिमांड देखते हैं, तो इंडिया में कुछ लाइक 350,000 टन की डिमांड है फॉर फिनॉल, एंड फॉर एसिटोन विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल, इसकी कुछ 180,000 टन पर एनम की डिमांड है. एंड साथ साथ ये डिमांड 8-10% पर एनम पे ग्रो कर रही है. सो अगेन why did Deepak Nitrite take such a big risk in acetone and phenol? मैं इसको big risk क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस time पे इनका अगर हम fixed assets देखते, तो सिर्फ 500-550 करोड़ के थे. Whereas phenol and acetone का इन्होंने जो project लगाया कुछ 1400 करोड़ का था, which was 60% funded by debt and 40% funded by QIPs. तो इन्होंने 3 QIP रेज करी थी, तो 40% इक्विटी इन्फ्यूजन था. एंड वॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि डेट बाय इक्विटी भी यहाँ पे इनका बढ़ गया था, तो मोर देन 1 time डेट बाय इक्विटी हो गया था. सो दिस वॉज रियली एन ऑल इन प्रोजेक्ट फॉर द कंपनी. एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि पहले सप्लायर साइड में क्या था, क्या इस सब्सिडरी या जो हम फिनोलिक्स की बात करते हैं, इसमें रिस्क हो सकते हैं, एंड क्या क्या एप्लीकेशन है. तो पहले सप्लायर साइड की बात करते हैं, रीजन समझते हैं कि दीपक नाइट्राइट इसके अंदर क्यों आया.
तो सप्लाई साइड में इफ यू जस्ट लुक एट दिस कि दीपक नाइट्राइट हैज टू कंपेटिटर्स इन टू कंपेटिटर्स डोमेस्टिकली. वन इज द एसआई ग्रुप राइट विच हैज अ 36,000 टन्स पर एनम कैपेसिटी ऑफ फिनॉल एंड 20,000 टन्स पर एनम कैपेसिटी ऑफ एसिटोन. वेयर द सेकंड वन इज हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स विच इज अ गवर्नमेंट ओन पीएसयू विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ 40,000 टन्स पर एनम ऑफ फिनॉल एंड 24,640 टन्स पर एनम ऑफ एसिटोन. And what is very interesting to note is that these capacities are 30 to 35 year old. तो आज दीपक नाइट्राइट की जो कैपेसिटी लगी है 2014 ऑनवर्ड्स जो 2017 की एंड या फिर 2018 के एंड के आसपास कमीशन हुई है. सो दिस इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गिवन बाय केबीआर एंड इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन उन्होंने थाइसिन ग्रुप इंडस्ट्रियल ग्रुप से कराया था. मोर ओवर यहाँ पे सिर्फ तीन ही कंपनीज है वर्ल्ड में जिनके पास फिनॉल लगाने की कैपेबिलिटीज है, उसमें से हनीवेल भी एक है. एंड हनीवेल को इन्होंने यूज करा था, लाइक हनीवेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया था फॉर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन ऑफ क्यूमीन. तो क्यूमीन के अंदर भी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है. अभी हम एक सेकंड बाद का वैल्यू चेन भी समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको फिनॉल एंड एसीटोन अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूं. तो फिनॉल के अंदर अगर हम इंपोर्ट्स देखते हैं तो लास्ट 5 to 6 इयर्स में इंपोर्ट्स इन फिनॉल हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम क्लोज टू 80,000 टन्स पर एनम टू समवेयर क्लोज टू 2,90,000 टन्स पर एनम. तो 2009 से लेके 2017 तक फिनॉल के जो इंपोर्ट था वो 2,90,000 टन्स पर एनम के आसपास हो गया. एंड अगर हम एसिटोन का इंपोर्ट देखते हैं विच इज अगेन अ डेरिवेटिव अ को प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल, तो यहाँ पे इस केमिकल का भी इंपोर्ट 321 करोड़ से 2011 में टिल 2018 में 749 करोड़ का था. एंड यहाँ पे अगर हम एसिटोन इंपोर्ट्स अगर हम वॉल्यूम में देखते हैं तो बाय 2017 या 2016 की अगर हम बात करें तो 140,000 टू 130,000 टन्स पर एनम ऑफ एसिटोन वॉज बींग इम्पोर्टेड इन द कंट्री. नाउ दिस इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करी. अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जब हमने तीन चीज़ों की बात करी थी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, चाइना प्लस वन एंड चाइनीज डिसरप्शन, तो यहाँ पे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इन्होंने अप्लाई करा राइट. एंड फिनॉल की अगर हम वैसे बात करें कि फिनॉल के यूजेस क्या हैं, सो फिनॉल इज बेसिकली एन इज अ फीड स्टॉक, इज एन ऑर्गेनिक केमिकल विच इज यूज एज अ फीड स्टॉक. एंड मोर ओवर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इनका मार्केट शेयर ऑर्गेनिक केमिकल में फिनॉल का 6% है, वेयर एज मेथनॉल इज 42% एंड एसिटिक एसिड इज 20%. सो वॉट इज अ फीड स्टॉक? सो फीड स्टॉक इज बेसिकली समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अदर केमिकल्स. एंड साथ साथ अगर हम फिनॉल और एसिटोन की एप्लीकेशन देखते हैं, सो वी गेट टू नो दैट फिनॉल इज मेजरली यूज इन एक्टिविटीज सच एज प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग, लैमिनेट्स. तो हम बेसिकली रिसेंटली एक फिनॉल के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर आए थे, तो ही टोल्ड मी कि नॉर्थ इंडिया में जो भी प्लाईवुड की इंडस्ट्री थी उन्होंने ही डेवलप करी है बाय इंपोर्टिंग फिनॉल. आई थिंक वो 1970s-80s से फिनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं एंड हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स का भी वो फिनॉल सेल करते थे. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करी है उन्होंने फिनॉल की एंड प्लाईवुड के अंदर मेजर यूसेज है, साथ साथ लैमिनेट्स के अंदर इसका बहुत बड़े मेजर यूसेज है, ऑटोमोबाइल्स में फिनॉल बहुत ज्यादा यूज होता है. And moreover, if we look at it, phenols are also used in manufacturing other chemicals, nylon fiber, sanitizers में acetone use होता है, जो हम IPA नाम की एक चीज़ की बात करते हैं, isopropyl alcohol, pharmaceuticals में acetone बहुत ज़्यादा use होता है, पेंट्स में यूज होता है एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में एज इपॉक्सी रेजिंस एंड उसका जो डेरिवेटिव है फिनॉल का वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है. तो दिस इज व्हाट द बेसिक यूजेस ऑफ फिनॉल्स आर. तो जब हमने अदर केमिकल्स की बात करी थी, यहाँ पे मैं आपको एक अगेन एग्जाम्पल दूंगा जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि विनती ऑर्गेनिक्स ने अभी ब्यूटाइल फिनॉल्स का प्लांट सेटअप करा है. तो अगर हम विनती ऑर्गेनिक्स की अगर हम एक बार कॉन कॉल देखते हैं तो अगेन शी सेज कि यहाँ पे फिनॉल का अब एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हो चुका है, एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर भी है एंड मेन मेकिंग ब्यूटाइल फिनॉल्स, वन यूनिट ऑफ आइसोब्यूटिलीन इज यूज एंड टू यूनिट्स ऑफ फिनॉल्स आर यूज्ड. सो मोस्ट लाइकली विनती ऑर्गेनिक्स इज सोर्सिंग इट्स फिनॉल फ्रॉम दीपक नाइट्राइट. एंड why I'm saying so बिकॉज 2016-2017 में विनती ऑर्गेनिक्स ने अपना ब्यूटाइल फिनॉल्स का प्लान अनाउंस करा था. एंड अगर हम आज रिसेंट कॉन कॉल्स में पढ़ते हैं सो दीपक नाइट्राइट सेज दैट सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क इफेक्ट्स आर प्लेइंग आउट इन द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री.
So similarly, phenol is an example of such case, because Vinithi Organics could also go for import substitution of butyl phenols जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं. एंड यहाँ पे उन्होंने कैपेसिटी इसलिए सेटअप करी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अगर आप फिनॉल इम्पोर्ट करते हैं. तो साथ साथ अगर हम रीजन्स देखिए दीपक नाइट्राइट के फिनॉल में आने के लिए, तो इम्पोर्ट में डिसएडवांटेज क्या है. सपोज इफ यूर अ केमिकल मैन्युफैक्चरर ऑफ लाइक सम केमिकल, सपोज ब्यूटाइल फिनॉल्स, एंड अगर आप फिनॉल की रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट करते हैं, सो प्रॉब्लम इज कि ट्रांसपोर्टेशन में ही 1 to 2 months के लिए आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो फंस जाएगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में इट वुड टेक 2 months एंड आपके पास रेडी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर नहीं है. अगर आपके पास कोई रेडी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है फिनॉल का, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस हो जाता है. एंड साथ साथ सिंस फिनॉल इज अ बल्क केमिकल, साथ साथ आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट ऑल्सो गोज डाउन. दिस इज अनदर वन ऑफ द रीजंस फॉर दीपक नाइट्राइट टू गेट इन टू फिनॉल. लाइक वन मोर रीजन फॉर गेटिंग इन टू फिनॉल इज दैट द इंडियन फिनॉल कंजम्पशन, या अगर हम चाइना की भी बात करें, सो फिनॉल एंड एसिटोन कंजम्पशन इज वेरी वेरी क्लोजली लाइंड विद द ग्रोथ ऑफ द GDP. तो इंडिया और चाइना हैव बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द ग्लोब. तो दिस इज द रीजन वाई इंडिया में जो फिनॉल की ग्रोथ है वो बहुत क्लोजली लिंक्ड है GDP से. तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी फिनॉल एंड एसीटोन का बहुत ज्यादा यूसेज है. तो इंडिया इज स्टिल वेरी अंडर डेवलप्ड इन सच सेगमेंट्स. एंड यहाँ पे अगर मैंने इनकी AGM भी देखी थी, तो AGM में ये भी पता लगा था शायद से जो भी इंफ्रा वाले प्लान्स हैं इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, शायद से उसके डेरिवेटिव्स के प्लान अभी रुक जाएंगे और बाद में शायद से करेंगे. अभी फार्मा और हेल्थ साइड पे शायद से ज्यादा फोकस करें. सो दिस इज दीज आर द रीजंस फॉर गेटिंग इनटू फिनॉल एंड एसीटोन. अब साथ साथ यहाँ पे हम इनके एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि फिनॉल्स और एसीटोन बेसिकली वुड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू लेटर गेट इनटू डेरिवेटिव्स. जैसे हमने परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में देखा था कि फीड स्टॉक इनके पास था, देन दे गॉट इनटू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. सो बेसिकली मूविंग अप द स्ट्रीम एंड मूविंग डाउन द स्ट्रीम. सिमिलरली फिनॉल्स एंड एसीटोन्स में 40% इनकी जो यूसेज है वो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ही होगी. एंड मोर ओवर कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने गाइड करे कि 150-200% बेटर एबिटा मार्जिन होगा इन द डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल. तो यहां पे अगर हम कुछ डेरिवेटिव्स देखते हैं फिनॉल के, तो सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फिनॉल आर bisphenol, then which is used in epoxy resins. So bisphenol is one of the biggest derivatives of phenol. Then polycarbonate है जो automobile और construction और electronics में use होता है. फिर MIK करके एक product है जो paints और coatings में use होता है. फिर again methacrylate करके एक product है जो automobile industry और construction के अंदर use होता है. तो यहाँ अगर हम methyl isobutyl ketone की बात करें, तो import यहाँ पे opportunity में आपको दिखाना चाहता हूँ इनके पास क्या है. तो यहाँ पे 2018 और 2019 में क्लोज टू 312 करोड़ टू 295 करोड़ का इम्पोर्ट हो रहा था. अगर हम बाइसफिनॉल की बात करें, तो अगेन 2019 में 871 करोड़ के आसपास का इंडिया में बाइसफिनॉल का भी इम्पोर्ट हो रहा था. सो अगेन देर इज नो अदर क्रेडिबल डोमेस्टिक प्लेयर टू गेट इन टू सच थिंग्स, राइट. एंड यहाँ पे वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस इज कि फिनॉल और एसीटोन के अंदर और प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे थे. सो दिस इज अगेन वॉट वी गॉट टू नो फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर इज वेल कि फिनॉल के साथ साथ को प्रोडक्ट इज एसीटोन. एंड लाइक सेलिंग एसीटोन और डिस्ट्रीब्यूटिंग एसीटोन इज ट्रूली अ पेन फॉर प्लेयर्स, राइट. तो एसीटोन भी दीपक नाइट्राइट का एक्चुअली इतनी अच्छी क्वालिटी का निकल के आया है, सो विच इज बीइंग यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री राइट नाउ. सो एसीटोन इज द रियल कल्प्रिट वाई मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स डू नॉट गेट इन टू फिनॉल मैन्युफैक्चरिंग. तो दीपक नाइट्राइट का एसीटोन भी अच्छी क्वालिटी का काफी बना है. एंड मोर ओवर विद इन 5 months ऑफ कमिशनिंग, तो यहाँ पे हम वॉकिंग द टॉक में एक चीज देखते हैं. तो मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया था कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कमिशनिंग हम प्रोजेक्ट को 75% यूटिलाइज कर देंगे, सेकेंड ईयर में 85% करेंगे, थर्ड ईयर में 95% कर देंगे. बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस विद इन 5 months ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्लांट, इनका यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन था 100% पहुंच गया. सो दिस इज वॉट शोज एग्जीक्यूशन, राइट. सो दीपक फिनॉलिक्स में इन्होंने बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन करी है. यहाँ पे अगर हम इनके रेवेन्यूज और ईबिट मार्जिन देखते हैं, सो वी गेट टू नो कि यहाँ पे जो इनके रेवेन्यूज है, फिनॉलिक्स हैव ग्रोन फ्रॉम 196 करोड़ टू 908 करोड़ टू मोर देन 2000 करोड़. एंड अगर हम यहाँ पे इनके ईबिट मार्जिन देखते हैं, सो वी गेट टू नो कि यहाँ पे इनके जो ईबिट मार्जिन है
they have improved from 10.6% to 9.4% to 22.2% in the recent quarter and first half of the financial year mein kuch 11.4% ke aaspaas hai. Now, what is also interesting to notice ki again, like the other divisions yahan pe, inke paas प्राइसिंग पावर नहीं है तो दे आर वेरी एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स ऑफ इनॉल नो डाउट. तो जब हम एंटीथीसिस पॉइंटर्स की बात करेंगे आप इस पॉइंट को जरूर याद रखना. एंड यहाँ पे मैं आपको अगर दो डेटा पॉइंट और दिखाऊं जो बहुत इंटरेस्टिंग है तो इंडिया में अगर हम फिनॉल इम्पोर्ट्स देखते हैं तो लास्ट जब से इनका फिनॉल का प्लांट लगा है तो आप 2019 से देखिए फिनॉल के इम्पोर्ट्स कैसे गिर गए हैं. फ्रॉम 2,122 करोड़ द फिनॉल इम्पोर्ट्स हैव फॉलन डाउन टू 375 करोड़. So this was more or less about Deepak Phenolics and if they have to utilize 40 to 50% of the capacity for captive consumption, तो IPA जैसे products और लाने पड़ेंगे. तो IPA का इनका 30,000 tons per annum का पहला plant लगा था and उसको ये double कर रहे हैं again एक 30,000 tons per annum का और लगा रहे हैं plant. And what is also interesting to notice is कि अगर 100% utilization पे चलते ही रहा so we think in our opinion that another plant of phenol needs to be put up. राइट क्योंकि फिनॉल वन वुड बी इनफ इन टर्म्स ऑफ केटरिंग द ओन कैप्टिव कंजम्पशन नीड्स. सो दिस इज वॉट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इज वी नेसेसरली कैन नॉट बी राइट ऑन दिस इट इज जस्ट आर जजमेंट. सो दिस वॉज द फिनॉलिक्स पार्ट एंड इसके जो सोर्सेज ऑफ रिस्क हैं वो हम बात करेंगे एंटीथीसिस पॉइंटर्स में. नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ द वीडियो दैट इज वॉकिंग द टॉक. यहाँ पे हम थ्री एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे इन्होंने वॉकिंग द टॉक करी है. तो बेसिकली जो हमने बोला है वो हमने करके दिखाया है. तो अगर हम 2011 की इनकी कॉन कॉल सुनते हैं अगर हम इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं सो वी गेट टू नो कि इन्होंने बोला था 2011 में कि आज हमारे रेवेन्यूज कुछ 650 टू 670 करोड़ के आसपास है पर नेक्स्ट थ्री ईयर्स में हमारे रेवेन्यूज 1,000 करोड़ के आसपास पार कर जाएंगे. नाउ हुआ क्या इंटरेस्टिंगली कि रेवेन्यूज इनके 1,000 करोड़ पार विद इन नेक्स्ट टू ईयर्स ही हो गए. फ्रॉम 672 करोड़ इन 2011 टू 1,020 करोड़ इन 2013. नाउ अगेन सेकेंड पार्ट ऑफ वॉकिंग द टॉक इज कि जब ये फिनॉल का प्लांट लगा रहे थे तो इन्होंने बोला था कि फर्स्ट ईयर में यूटिलाइजेशन 75%, सेकेंड में 85%, थर्ड में 95%. बट वॉट हैपन विद इन 5 months 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. अगेन दिस इज वॉकिंग द टॉक कि जो हमने कहा था वो हमने करके दिखाया. सो एग्जीक्यूशन इज वॉट डिफरेंशिएट्स पुअर मैनेजमेंट्स विद गुड क्वालिटी मैनेजमेंट. वी थिंक दीपक हैज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी मैनेजमेंट. एंड थर्ड इंस्टेंस ऑफ वॉकिंग द टॉक इज कि 2016 में दीपक मेहता का एक इंटरव्यू आया था ईटी चैनल पे जहां पे उन्होंने बोला था कि इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स वी विल मोर देन ट्रिपल आर रेवेन्यूज. वी विल क्लोज टू ट्रिपल और 4 टाइम्स आर रेवेन्यूज. एंड अगर हम 2016 में इनकी रेवेन्यू देखते हैं तो 1373 करोड़ थे. एंड अगर आज हम देखते हैं तो 4230 करोड़ के आसपास हैं. तो मोर देन डबल तो हो ही चुके हैं. आई थिंक क्लोज टू ट्रिपल के आसपास हैं. सो अगेन दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स मैनेजमेंट. सो वॉकिंग द टॉक राइट. तो यहां पे इन्होंने एक गाइडेंस बीच में और भी दी थी कि हम अपने फाइनेंस स्पेशलिटी बिजनेस को 15-16% केगर पे ग्रो करेंगे बट दैट हैज ग्रोन एट 12-13%. मे बी कुड बी वन ऑफ द रीजन इज कि 2017 में रोहा प्लांट में आग लग गई थी. तो केमिकल बिजनेस में दिस इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क कि जहां पे रिस्क ऑफ फायर भी काफी ज्यादा है. सो दिस इज द मैनेजमेंट वॉकिंग द टॉक एंड आई थिंक दिस गिव्स यू अ वेरी वेरी क्वालिटेटिव इनसाइट इनटू द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट. Now with this we'll be coming to the thesis pointers and the antithesis pointers and I think first we'll discuss the antithesis pointers because our view is to give you a very neutral view of the company. So coming to the antithesis pointers of the company. The first antithesis pointer that is there before thesis hum discuss karein. So first is margin volatility. तो हमने बात करी थी कि जो इनका बल्क केमिकल बिजनेस है अगेन दैट इज अ लिटिल कमोडिटाइज बिजनेस बट ये कॉस्ट एफिशिएंट बहुत ज्यादा है. तो लास्ट 1-2 इयर्स में इनके मार्जिन्स एक्सपैंड करे सो अगेन कुड बी ड्यू टू सम शटडाउन इन चाइना एज वेल. तो यहाँ पे मार्जिन वॉलेटिलिटी का रिस्क है क्योंकि कुछ बिजनेस सेगमेंट्स में जैसे परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं फिनॉल्स की बात करते हैं बल्क केमिकल में अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें इनके जो बेसिक केमिकल डिवीजन है सो वहाँ पे अगेन दीपक नाइट्राइड इन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अ प्राइस टेकर इट्स नॉट अ प्राइस मेकर. तो यहाँ पे मार्जिन कैन बी वॉलेटाइल इन सच डिविजन. तो हमने परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स के अंदर देखा था कि मार्जिन कैसे एकदम फ्लक्चुएट कर रहे हैं. सो दिस इज फर्स्ट एंटीथीसिस पॉइंटर कि पार्ट ऑफ द बिजनेस इज कमोडिटाइज्ड. A part of the business is price taking business, not price making business.
Second antithesis pointer is that some of the derivatives of phenols are also commoditized. So, IPA ki baat karein, isopropyl alcohol. So, again, even though Deepak Nitrate acetone ke through manufacture kar raha hai and Deepak Fertilizer, we do not know, I think propylene ke through manufacture kar raha hai. So, what is interesting to notice is ki Deepak Fertilizer ka IPA segment has been loss making in some of the years, right? So, Deepak Nitrite ne abhi 60,000 tons per annum ka almost capacity laga diya 30,000 ka expansion ke baad. So, again, this could be an antithesis pointer ki even some of the derivatives are commoditized. Agar hum yahan pe realization dekhe, to realization 2020 mein above 90 rupees per kilo ja chuki hai. Why has this happened? Because, again, ki aapke IPA ki artificially demand badh chuki hai. This is why even jo aapki realization hai, wo upar ja chuki hai. I think this is based on export-import numbers. And moreover, agar hum bisphenol ki baat karein, to bisphenol is again a derivative of phenol. And bisphenol ki agar hum worldwide dekhe, to bisphenol is also there in excess capacity. And this is again one of the antithesis pointers. And एक और बड़ा antithesis pointer क्या है कि यहाँ पे phenol का price जो है इनके हाथ में नहीं है, fluctuate करेगा बार बार, जैसे हमने EBITDA margin देखा fluctuate कर रहा है, even though management has said कि maybe 15-17% EBITDA margin is what we look for, maybe 17-18% के आसपास. And so what is important to notice is कि यहाँ पे अगर हम Asia के अंदर phenols की capacity देखें, so we get to know that there are other capacities of phenol as well. So, एक कैपेसिटी फिनॉल की साउथ कोरिया में है जो 680,000 टन्स पर एनम की है, मतलब दीपक नाइट्राइट की कैपेसिटी से ट्रिपल कैपेसिटी है. पीटीटी फिनॉल इज देयर इन थाईलैंड विच हैज 5 लाख टन्स पर एनम. फार्मोसा केमिकल इज देयर इन ताइवान विच हैज 4 लाख टन पर एनम कैपेसिटी. मित्सुई फिनॉल्स है चाइना के अंदर और कैपेसिटीज लग रही हैं. एलजी केमिकल की कैपेसिटी है मित्सुबिशी केमिकल पार्क में एंड दीपक फिनॉलिक्स की तो है ये. सो अगेन यहाँ पे व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस इज कि यस एक इनके पास 4 ईयर का एडवांटेज है कि 4 साल लगेंगे फिनॉल का प्लांट लगाने में. बट व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि इवन द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो करंट प्लेयर्स है, वी डू नॉट थिंक कि SI ग्रुप और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स कैन एक्सपैंड देयर कैपेसिटी. सो वॉट कैन हैपन नेचुरली जो हम पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक योर रिलायंस इंडस्ट्रीज और योर इंडियन ऑयल और योर अगर हम गेल की भी बात करें टू अ सर्टन एक्सटेंट, सो दीज गाइज ऑलरेडी हैव द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनॉल एंड एसीटोन, डैट इज बेंजीन एंड प्रोपिलीन. तो प्रोपिलीन इंडियन ऑयल के पास भी है, BPCL पास भी है. तो इट मेक्स नेचुरल सेंस फॉर अ पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट इनटू फिनॉल और एसीटोन. इट डज नॉट मेक सेंस फॉर समवन एल्स टू कम अप विद अनदर ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन. तो यहाँ पे हमें लगता है पर 4 साल का लीड टाइम तो दीपक नाइट्राइट पास जरूर है क्योंकि 4 साल लग जाते हैं प्लांट लगाते लगाते. बट अगेन इम्पॉर्टेंट टू नोटिस इज दैट देर आर नो कम्प्लीट एंट्री बैरियर्स इन दिस बिजनेस एज ऑफ नाउ. So, and one interesting thing is, again, even in the 2016 con call, we read that the management said ki if the prices of phenol drops, agar import badh jata hai phenol ka, to we'll apply for anti-dumping duty. Jo HOC or SI India, they will apply with us for anti-dumping duty. And yahan pe South Korea, Thailand, ताइवान और जो यूएसए के अंदर कैपेसिटी है फिनॉल की, उनके अगेंस्ट मेजरली ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवाने की ट्राई करेंगे थ्रू गवर्नमेंट. बट वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट 2012 से ये परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवाने की ट्राई कर रहे हैं एंड 2018 में केस हार गए थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर ड्यूटी नहीं लगाई. सो इट इज ईजियर सेट देन डन द केस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज. इवन तो यहाँ पे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन तो चल रहा है क्योंकि यहाँ पे और कोई कैपेसिटी आई नहीं, बट इन अ सिनेरियो की आसपास अगर बहुत कैपेसिटीज आ जाए फिनॉल की तो नेचुरली इंडिया एंड चाइना वुड बी द टारगेट फॉर एक्सपोर्ट्स बिकॉज इंडिया एंड चाइना आर द टू फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट. तो यहाँ पे वी हैव टू कॉन्स्टेंटली सी कि वेदर देर बी वेदर द मार्जिन डू नॉट गो डाउन बिलो अ लॉट और वेदर की इम्पोर्ट से इनका बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना आए एंड वेदर कोई पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी फॉरवर्ड इंटीग्रेट ना कर जाए फिनॉल्स के अंदर. दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिस्क डैट इज देयर इन द बिजनेस. सो दीज आर योर एंटी थीसिस पॉइंटर्स एंड इसमें रिस्क ऑफ फायर भी एक बहुत बड़ा है कि 2017-2018 में भी इनके रोहा प्लांट में आई थिंक फायर लगी थी. तो रिस्क ऑफ फायर तो किसी भी केमिकल बिजनेस में रहता ही रहता है. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एंटी थीसिस पॉइंटर्स
राइट. तो रियल रिस्क इज अगेन एज संजय भट्टाचार्य सेज वॉलेटिलिटी ऑफ कैश फ्लोज. तो यहाँ पे 50-60% ऑफ द बिजनेस विल रिमेन वॉलेटाइल इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज. बट लास्ट 2-3 ईयर्स में अगर इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखे तो CFO हैज इंक्रीज्ड अ लॉट एंड दिस इज अगेन ऑन बैक ऑफ द बूस्ट इन परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स डिविजन. बट नाउ कमिंग टू द थीसिस पॉइंटर्स राइट फ्रॉम हियर कि अगर इनस्पाइट परफॉर्मेंस प्रोडक्ट इतना ज्यादा मार्जिन इंक्रीज होने के बावजूद भी इस बारे भी फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर में इनका मार्जिन कोलैप्स नहीं करा बिलो 20% ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर रहे हैं. व्हाई सो? बिकॉज फाइन एंड स्पेशलिटी हैज पिक्ड अप द बैटन एंड मोर ओवर फिनॉल के अब ये डेरिवेटिव्स में भी आ रहे हैं. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस इज कि थीसिस पॉइंटर में पहला थीसिस पॉइंटर है प्रोडक्ट मिक्स चेंज. कि अगर आने वाले 1-2 साल या अगले 4-5 साल में जो इंटरव्यूज में भी हम इनके सुनते हैं सो दे से दैट दीपक एट 2025 विल बी अ लॉट डिफरेंट देन दीपक एट 2020 एंड इनकी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स में भी लिखा है कि दे एक्सपेक्ट द मार्जिन टू रिमेन अबव 20% ऑपरेटिंग मार्जिन टू रिमेन अबव 20% इन द मीडियम टर्म. सो बेसिकली दैट इज इनडायरेक्टली टेलिंग अस इन टर्म्स ऑफ आर इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे नॉलेज इंटेंसिव प्रोडक्ट्स की और इंट्रोडक्शन हो सकती है. माने फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल के अंदर और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती है. एंड सेकेंड इज की जो फिनॉल के डेरेवेटिव हैं दे आर हायर इन मार्जिन देन फिनॉल इट्सेल्फ राइट. तो सम ऑफ द डेरेवेटिव वुड लाइकली फेच हायर मार्जिन. सो दिस इज वॉट वी हैव टू सी. एंड वन मोर कन्फर्मिंग एविडेंस डैट वी गेट इज की यू माइट सी की लास्ट ईयर इनका पी 10 या 12 टाइम्स के आसपास था. Why was it so? Because performance products के जो लाइक सेगमेंट जो ईबिट था जो अर्निंग्स थी वहां से बहुत ज्यादा बढ़ गई. बट 2021 के फर्स्ट हाफ में भी दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स. इतना ज्यादा सीवियर कंप्रेशन नहीं आया. अर्निंग्स में भी इतना ज्यादा सीवियर कंप्रेशन नहीं आया. अर्निंग्स भी आज 596 करोड़ के आसपास है TTM नंबर्स पे. इतना ज्यादा कंप्रेशन नहीं आया. सो अगेन दिस जस्ट शोज यू द डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ द बिजनेस. कि शायद से फिनॉल्स की जो स्प्रेड्स बहुत लो थी शायद से फिनॉल्स की भी स्प्रेड्स कैन रिवर्स. तो फिनॉल की स्प्रेड्स लास्ट 5-6 ईयर्स में बहुत लो थी. तो यहां से अगर वो रिवर्स कर दिया तो अगेन दिस विल बी एन एडवांटेज. तो इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कि कभी ना कभी कहीं से एडवांटेज या डिसएडवांटेज आते रहेगा. दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ द बिजनेस. दिस इज वाई वी हैव नेम्ड द वीडियो दीपक नाइट्रेट अ डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी. सेकेंड थीसिस पॉइंटर दैट कैन बी देयर इज द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज वेरी रेयरली अ थीसिस पॉइंटर बट ओवर हियर द एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन इम्पेकेबल. माने इतना अच्छा एग्जीक्यूशन हो चुका है तो यू हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द जॉकी दैट इज द मैनेजमेंट. कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन क्वालिटी में हैज बीन वेरी वेरी गुड लास्ट डेकेड में स्पेशली राइट. एंड थर्ड थीसिस पॉइंटर ओवर हियर इज टेलविंड्स. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको आप थीसिस पॉइंटर्स के साथ हैं आप एंटी थीसिस पॉइंटर्स के साथ हैं. बिकॉज अगेन वॉट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस इन्वेस्टिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक. तो शायद से कभी कभी एंटी थीसिस पॉइंटर्स जो रिस्क हैं आपके कभी कभी निकलेंगे कभी कभी थीसिस पॉइंटर्स आपके अच्छे चले जाएंगे. सो दीज आर दी एंटी थीसिस एंड द थीसिस पॉइंटर्स. एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप किसके ज्यादा फेवर में. नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस. नाउ वैल्यूएशन आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगेन जैसे हमने मेंटल मॉडल की बिगनिंग में बात करी थी तो यू हैव टू थिंक कि वॉट इज ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल. जो इस बिजनेस को आज सेल कर रहा है इस प्राइस पे और जो इस बिजनेस को बाय कर रहा है इस प्राइस पे दोनों का क्या कहना है. तो हम एक बार ये दीपक नाइट्राइट को वैल्यूएशन मैट्रिक्स में एक बार प्लेस करके देखते हैं केमिकल बिजनेसेस के. सो दीपक नाइट्राइट ट्रेड्स एट अ वैल्यूएशन मल्टीपल ऑफ 15-20 टाइम अर्निंग्स. तो 10-12 टाइम्स अर्निंग्स भी था बट क्योंकि परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की वजह से डिमांड लाइक प्रॉफिट्स बहुत बढ़ गए थे बट अगले साल इतना सीवियर कंप्रेशन नहीं आया. दिस इज आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई कंपनी गॉट री रेटेड टू 17-18 टाइम्स. सो दीपक नाइट्राइट इज करंटली ओवर हियर. On the left side, जो हम commodity chemicals की बात करते हैं वहाँ पे DMCC और Bodal Chemicals आता है. तो these companies trade below a PE ratio of 10 times. तो Bodal Chemicals का शायद से ज़्यादा दिखेगा क्योंकि earnings collapse कर गई है. Then third side पे आता है Vinity Organics और Navin Fluorine जैसी companies, जहाँ पे Navin Fluorine में 50 times cross कर चुका है PE multiple and Vinity में 30-35 times था but earnings collapse होने की वजह से शायद से इस time पे ज़्यादा दिख रहा है. पर दीपक को अभी 15-20 टाइम्स का मिल रहा है. वाई सो? बिकॉज पार्ट ऑफ द बिजनेस इज स्टिल कमोडिटाइज्ड
And moreover, it is an intermediate manufacturer currently. It is not purely a specialty chemicals play, neither it's purely a bulk chemical play. It lies in between as of now. So it is very, very completely poised. Agar yahan pe hum Sanjay Bhattacharya ke ek aur quotation dekhe, so he says the understanding of the business drives the valuation. Agar aapko ye business ki understanding hai, जैसे नवीन फ्लोरीन के अंदर आउटकम आया है कि 50% बिजनेस जो आपका ओल्ड लेगेसी बिजनेस था, जो कमोडिटाइज बिजनेस था, जैसे ही उनके पास न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, लाइक एचपीपी कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो वैल्यूएशन मल्टीपल हैज रीरेटेड ड्रास्टिकली. इफ यू थिंक समथिंग सिमिलर कैन हैपन इन दीपक नाइट्राइट, इट इज स्टिल चीप एट दीज प्राइसेस, एट दीज वैल्यूएशन मल्टीपल्स, बिकॉज मार्केट इज नॉट बेकिंग इन व्हाट द फ्यूचर पोटेंशियल इज इन द नेक्स्ट 4 to 5 years. एंड यहां पर इन्होंने दीपक क्लीन टेक करके भी एक सब्सिडरी लगाई है, विच अगेन इज इन टू इंटरमीडिएट्स. तो इफ दीपक नाइट्राइट स्टार्ट अनाउंसिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक नवीन फ्लोरिन और दे गेट इन टू अनदर सेगमेंट विच इज वेरी हाई मार्जिन इन नेचर, what will happen, इसकी जो high margin category है, that will dwarf over the low margin category over a period of time. So something like Naveen Fluorine outcome can happen. Second is the antithesis pointers की शायद से bulk chemicals continue करेंगे, upstream में और जाते रहेंगे, phenol का शायद से नया plant आने की ज़रूरत हो जाए क्योंकि 100% utilization है, तो partly the business will remain commoditized and at these prices it is fairly valued. So these are the two views on valuation, and I think this was very, very interesting for us to make as well, because again, investing is probabilistic in nature. No one can say ki is business mein aisa hoega hi hoega. To aapki understanding is business ki valuation ko drive karegi. Aaj jo ye viewer video dekh raha hai, wo three types ka hi hai. Ek dekhega ki shayad se ye abhi undervalued hai based on the next 5 years. Ek bolega shayad se this is over fairly or overvalued based on the current prices, and ek to bolega jo bolega ki it is in a too difficult box aur hame pata hi nahi hai kya hone wala hai. So do let us know ki aap kis type ke viewer hain is video mein, and with this we'll conclude the video. Do let me know in the comment section ki aapka kya opinion hai, and description mein humne jo specialty chemical ka webinar kar rahe hain uska bhi humne link dala hai, and sath sath SOIC intensive course ka bhi link hai jahan pe we teach you about balance sheet, cash flow statement, income statement and how to research companies basically from scratch. That link is also there in the description below. Thank you for joining us. Hope to see you in the next business analysis.